दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। आईपीएल खत्म हो चुका है, वहीं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, जहां 9 जून से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होनी है, जिसके लिए साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर आने वाली है। वहीं भारतीय टीम के स्क्वाड में देखें, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुना गया है, उसमें कई युवा चेहरे जो है अपनी अपना डेब्यू करते नजर आने वाले हैं। तो कई युवा चेहरे जो अपने पहले डेब्यू कर चुके हैं, वो एक बार फिर से अपनी काबिलियत को है जो भारतीय टीम के लिए दिखाते नजर आएंगे। जो उनको एक फायदा मिला, आपको बताएं कि 2022 में आईपीएल में जो उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई युवा चेहरे जो है इस सीजन में हमें चमकते और उभरते नजर आए, जिन्होंने अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को जो है फैंस के सामने, साथ साथ सिलेक्टर्स के सामने दर्शाया था, उसी का जो इन्हें रिवॉर्ड मिलता है, जो अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में इन्हें चुना गया है। तो वही इस साल के अंत में जो है आपको बताएं कि टी20 वर्ल्ड कप भी होना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है अक्टूबर नवंबर के बीच में। उसके लिए जो है हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज, साथ साथ वर्तमान समय में कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने 16 सदस्य भारतीय स्क्वाड की अनाउंसमेंट किया, जो कि उन्होंने केवल आईपीएल 2022 के बेस पे ही चुनी है, जहां उनका साफ तौर पे कहना था कि आईपीएल के इस सीजन में जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनको काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इसके चलते उन्होंने एक अपनी टी20 स्क्वाड का ऐलान किया है, जो उन्हें उम्मीद है कि इनमें से काफी खिलाड़ी जो है भारतीय जो टी20 वर्ल्ड कप होना है इस साल के अंत में, उसका हिस्सा बन सकते हैं। इससे पहले आपको ये बताएं कि इस टीम में आकाश चोपड़ा की टीम में जो है कई बड़े नाम जो है टीम से बाहर बिठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का आता है। हैरानी भी होती कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कहीं के कप्तान हैं, उसके बावजूद जो है उन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में उन्होंने शामिल नहीं किया है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। आकाश चोपड़ा ने साफ कहा कि वो केवल आईपीएल 2022 के अच्छे प्रदर्शन वाले खिलाड़ी, जितने भी युवा खिलाड़ी, साथ साथ कुछ सीनियर खिलाड़ी भी जो है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें ही केवल इस स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे। तो ऐसे में रोहित शर्मा को जगह नहीं दी गई है, क्योंकि उनका मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन उतना किफायती प्रदर्शन देखने को मिला नहीं बल्ले के साथ। तो वही विराट कोहली जो इंडिया टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, उन्हें भी इस स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है, क्योंकि वो लय विराट कोहली से इस सीजन में देखने को नहीं मिली, जिसके लिए विराट कोहली जाने आते हैं। साथ साथ तीसरे नंबर पर देखें तो ऋषभ पंत का नाम आता है इस लिस्ट में, जिन्हें उन्होंने अपने स्क्वाड से बाहर बिठाया, क्योंकि ऋषभ पंत का उनके नजरिए में ऋषभ पंत का वो सीजन इतना किफायती साबित हुआ नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आकाश चोपड़ा की 16 सदस्यीय टीम में जो उन्होंने स्क्वाड चुना है, इसमें किन किन खिलाड़ियों को उन्होंने इसका हिस्सा बनाया है। तो सबसे पहले देखिए केएल राहुल और ईशान किशन, इन दोनों को उन्होंने एज अ ओपनर अपनी इस टीम का हिस्सा बनाया है, जहाँ केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट से आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। इस टीम के कप्तान भी केएल राहुल रहे हैं, जहां इन्होंने 15 मैचों के दौरान 616 रन बनाए थे 51 की औसत के साथ। वहीं ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने भी मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करते हुए काफी अच्छा अहम मौकों पर आकर के रन बनाए, लेकिन मुंबई इंडियंस का इस सीजन में, हम ओवरऑल टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उसके चलते जो है टीम का इस सीजन में वो लय नजर नहीं आई, जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है। लेकिन अगर हम ईशान किशन की ही पर्टिकुलरली बात कर लें, तो उन्होंने 14 मैचों के दौरान देखे 418 रन बनाए हैं। ऐसे में आकाश चोपड़ा का मानना है कि वो ओपनिंग में उतने किफायती साबित हो सकते हैं, बजाय अन्य खिलाड़ियों के जो आईपीएल में भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, जो आईपीएल के मौजूदा जो भी हाल ही में बीता है, उससे आधे सीजन से बाहर हो गए थे, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने हाफ सीजन खेला, उसमें काफी अच्छे प्रदर्शन किया, जहां आपको बताया कि उन्होंने 8 मैचों के दौरान 303 रन बनाए थे 43 की औसत के साथ। इसी के चलते आकाश चोपड़ा ने उन्हें भी अपने स्क्वाड में जगह दी है। इसके अलावा चौथा नाम जो है वो राहुल त्रिपाठी का आता है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए। इस खिलाड़ी ने मध्य क्रम में काफी अहम रोल निभाया था, जहां हैदराबाद के लिए कुछ अहम मौकों पर, जैसे मैंने आपको बताया कि रोल निभाते हुए कई बड़ी बड़ी पारियां भी खेली, अपनी टीम को जीत भी दिलाई है। तो इसी के चलते राहुल त्रिपाठी को भी इस टीम में जगह दी है। राहुल त्रिपाठी के आपको इस सीजन का प्रदर्शन बता दें तो उन्होंने 14 मैचों के दौरान 413 रन बनाए थे, इसी की बदौलत आकाश चोपड़ा ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा आपको बताएं कप्तान जो उन्होंने चुना है, उसमें उन्होंने हार्दिक पांड्या को चुना है। हालांकि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी हाल ही में अपनी टीम गुजरात टाइटंस को एज अ कप्तान के तौर पर जिता करके आ रहे हैं। उन्होंने इस सीजन में गेंदबाज के तौर पर, साथ साथ बल्लेबाजी या कायम कप्तानी, जो जो उनको भूमिका दी गई थी इस सीजन में, उन्होंने उसमें बखूबी रोल निभाते हुए अपना 100% दिया और पूरा उनसे एफर्ट देखने को मिला। ये वजह रही कि आकाश चोपड़ा ने उन्हें अपनी टीम का, भारतीय टीम का स्क्वाड का इसमें कप्तान चुना है। तो वहीं दिनेश कार्तिक जो आरसीबी के लिए खेले हैं, उन्होंने फिनिशर की भूमिका निभाई, अच्छा खासा प्रदर्शन किया, कई तेज रन पारी खेलते हुए आरसीबी को अहम मुकाबलों में जीत भी दिलाई, तो उन्हें इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। साथ साथ दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर के तौर पर भी अपने इस स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं इसके बाद आगे बढ़े तो कृणाल पांडे को इस टीम में जगह दी गई है, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे। उसके अलावा आगे बढ़े तो युजवेंद्र चहल जो राजस्थान टीम के का हिस्सा थे, उन्होंने वो इस सीजन के पर्पल कैप होल्डर भी बने,
जहां युजवेंद्र चहल ने 17 मैचों के दौरान 27 विकेट भी चटकाए थे। इसके अलावा आगे बढ़े तो संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, उन्हें भी इस टीम में जगह दी गई है। मोहम्मद शमी इस टीम का हिस्सा है। आवेश खान को भी जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे, काफी किफायती गेंदबाजी इस गेंदबाजी युवा गेंदबाज से देखने को मिली थी। उसके अलावा देखे तो अर्शदीप सिंह जो पंजाब किंग्स का हिस्सा थे, उन्हें हमने देखा है कि डेथ ओवर में आकर के उनकी जो सटीक यॉर्कर होती थी काफी किफायती गेंदबाजी की, हालांकि विकेट के लिए वो इतने कामयाब नहीं साबित हुए, लेकिन किस सटीक यॉर्कर और साथ साथ किफायती गेंदबाजी ने काफी ज्यादा कई दिग्गज खिलाड़ी को भी प्रभावित किया, साथ साथ आकाश चोपड़ा को भी प्रभावित किया। इसी के चलते उन्हें अपनी इस स्क्वाड में आकाश चोपड़ा ने शामिल किया है। इसके अलावा आगे बढ़े तो दीपक हुड्डा को भी इस टीम में जगह दी गई है। दीपक हुड्डा जो है इस सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन करते आए, उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी पारियां खेली हैं। इसी के बदौलत आकाश चोपड़ा ने उन्हें भी अपनी टीम में जगह दिया है। इसके अलावा देखें आगे तो कुलदीप यादव जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए हम कहें कि सीजन के जो आईपीएल का हाफ सीजन था शुरुआती, उसमें काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि दूसरे हाफ में भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो लय जो उनकी पहले हाफ में देखने को मिलती है, लगातार वो बड़ी बड़ी मात्रा में जो है विकेटें लगातार लेते नजर आ रहे थे, लेकिन हाफ सीजन के बाद वो देखने को नहीं मिली। इसके अलावा आगे बढ़े तो हर्षल पटेल जो आरसीबी के लिए बेशक इस सीजन में विकेट उतनी खास उन्होंने चटकाई नहीं है, लेकिन किफायती गेंदबाजी उनसे अभी भी देखने को मिली है। पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर रहे थे आईपीएल सीजन के, इस सीजन में उन्होंने वो किफायती गेंदबाजी उनसे देखने को मिली है। अंतिम नाम जो 16वां नाम जो आकाश चोपड़ा की इस टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड की लिस्ट में आता है, वो आता है जसप्रीत बुमराह जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। इस सीजन में वो काफी अकेले पड़ते जरूर नजर आए थे, क्योंकि उनको उनके साथी गेंदबाज के तौर पर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर भी मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी देखने को मिली उनसे, और साथ साथ उन्हें कई बार भारतीय टीम में भी देखा गया कि उन्होंने काफी एक लीड रोल में आकर के गेंदबाजी की है, साथ साथ अपनी गेंदबाजी से सामने वाले बल्लेबाजों को हैरान किया है चुकाया है। तो ये थी आकाश चोपड़ा की T20 स्क्वाड जो उन्होंने आगामी T20 विश्व कप के लिए अपने तौर पर जो उनके नज़रिया जो उन्होंने IPL के बेस पर अपनी इस टीम का अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। तो आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताएं कि आपको ये आकाश चोपड़ा के जो स्क्वाड है ये आपको किस तरीके से पूरा, इसमें किन किन खिलाड़ियों को होना चाहिए था, साथ साथ किन किन खिलाड़ियों को इसमें नहीं होना चाहिए था, आपको क्या लगता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।